ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महासचिव हरीश राजभर के नेतृत्व में गृह मंत्रालय को राजभर जाति को एसटी में शामिल कराने हेतु अनुमोदन भेजने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरीश राजभर ने बताया कि राजभर समाज के 90% लोग बहुत गरीब हैं। प्रदेश के विभिन्न सरकारों द्वारा कराए गए सर्वे में सिद्ध साबित हुआ है कि राजभर समाज की सामाजिक स्तर भी काफी दयनीय है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि राजभर जाति को एसटी में सम्मिलित कराने हेतु प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को अनुमोदन भेजे। इस अवसर पर ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के जिलाध्यक्ष हीरालाल राजभर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरीश राजभर ने कहा, राजभर समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, राजभर फाउंडेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद राजभर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। निवेश पर राजभर आरक्षण समिति संबंधित आवेदन फाइल 22 राजभर संगठनों की मांग पत्र के साथ प्रमुख सचिव के साथ संलग्न है। अतः महोदय से निवेदन है, आरजीआई गृह मंत्रालय को राजभर को एसटी में सम्मिलित कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से एसटी का अनुमोदन चाहती है। अतः आपसे निवेदन है कि यूपी सरकार से गुजारिश करें कि फाइल राज्य और केंद्र सरकार को पहल भेजी जा चुकी है, कृपया राज्य सरकार अनुमोदन पत्र भेजने की कृपा करे। नमस्कार, मैं हरीश राजभर, विश्व राजभर भर फाउंडेशन राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और 22 समितियों को मिला करके आरक्षण की लड़ाई को लड़ने के लिए जो समिति बनाई गई है और 22 संगठनों का समर्थन प्राप्त हमें अध्यक्ष बनाया गया है ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति, और इसी के तत्वावधान में यह कार्यक्रम हो रहा है। हमें आरक्षण चाहिए, एसटी का आरक्षण चाहिए, जो सारी समितियों ने रिपोर्ट लगा करके मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखा हुआ है और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अनुमोदन किया कि आप केंद्र सरकार को भेजा जाए, क्योंकि यह जो 90% लोग हैं समाज के काफ़ी गरीब समाज के लोग हैं और इनको इस ट्राइब के पार्ट होते हुए इनको एसटी का आरक्षण दिया जाए और इनका अनुमोदन आप केंद्र सरकार को किया जाए।